त्योहार के मौके पर इंदौर में बम पुलिस ने दिखाई तत्परता। इंदौर शहर में गुरुवार तड़के पुलिस को खबर मिली कि नगीन नगर स्थित रंगोली की फैक्ट्री से पिकअप वैन जो मारोठिया में रंगोली की डिलीवरी करने जाने वाली थी उसमें कपड़े और पन्नी में लिपटी हुई एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। वैन के ड्राइवर ने उसे खोलकर देखा तो उसमें टाइम बम जैसी वस्तु दिखाई दी, उसमें से घड़ी जैसी आवाज भी आ रही थी। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसे खुले मैदान में रखने को कहा। एरोड्रम पुलिस तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंची। अभी अपनी गाड़ी आ रही बीडीएस टीम, वो इसका डिसाइड करेगी क्या चीज है। कंट्रोल रूम को खबर करी अपन ने, अपने पास कंट्रोल रूम से खबर आई है। पुलिस ने संदिग्ध वस्तु की जांच की, संदिग्ध वस्तु में एक सर्किट, टाइम वॉच और विस्फोटक सामग्री स्पष्ट नजर आ रही थी। जांच के बाद भी असमंजस की स्थिति बनी रही और बम की आशंका को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने यंत्रों से संदिग्ध बम की जांच की और उसे नष्ट करने के लिए खोला। अंततः पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये बम नकली है। साथ ही पुलिस ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बम की अफवाह से इलाके में सनसनी फैल गई। इस बीच गाड़ी के मालिक ने दावा किया कि उसे कुछ दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। यह हरकत उसके किसी दुश्मन की भी हो सकती है। कुछ नहीं है इसमें, मतलब खाली एक खिलौने के रूप में प्रयोग किया गया, मतलब खाली डराने के हिसाब से, बाकी उसमें कोई बम या आईडी सर्विस कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। हां, मतलब बना दिया। अब इसमें देखते हैं, बाकी सब कुछ भी सर्किट बनाया है, यहां पे टाइमर बनाया है।